हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए, अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस है और आपको फाइंड आउट करना है कि वो जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखिए, इंक्रीजिंग सीक्वेंस मीन्स आपके पास जो सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं S1, S2, S3, S4 इस टाइप से, तो जो S2 होगा वो S1 से बड़ा होगा, S3 S2 से बड़ा होगा, S4 S2 से बड़ा होगा, S1 S3 सबसे बड़ा होगा। तो इस टाइप से अगर कोई सीक्वेंस जा रही है, अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। विच मीन्स S2 जो टर्म है वो S1 से अगर बड़ी होनी चाहिए अगर वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। सिमिलरली लाइक दिस, ठीक है? तो हम उसको एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सीक्वेंस N/N+1 इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस और अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, यू हैव टू फाइंड इट आउट। अब देखो, फाइंड आउट कैसे करेंगे? अब हम क्या करेंगे, ये जो सीक्वेंस हमें दे रखी है ना, इसे एक बड़ी सीक्वेंस और बना लेते हैं, ठीक है? अगर उस बड़ी वाली सीक्वेंस में से अगर हम इसको माइनस कर दें और टर्म हमारी पॉजिटिव आ जाए। देखिए, जैसे 4 में से अगर आप 3 को माइनस कर रहे हो तो 4 इज ग्रेटर देन 3, तो आप 4 में से अगर 3 को माइनस करोगे जो आपके पास वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो अगर ऐसा हो तो वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बट अगर वो नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो देखिए, आपके पास SN जो है, यहाँ पर SN वो क्या है, N/N+1। तो हमें इसे एक बड़ी टर्म लेनी है, तो N के बाद क्या आता है, S(N+1), ठीक है? तो एक सीक्वेंस नेक्स्ट लोगे तो क्या आएगा, N को आप रिप्लेस कर दोगे N+1 के साथ। N को रिप्लेस कर देंगे N+1 के साथ, ये ऑलरेडी प्लस वन चली जाए, तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, N+1/N+2, ठीक है? सिमिलर सिंपल था हमारे पास ये स्टेप का एक क्वेश्चन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सीक्वेंस में से इसको माइनस करके देख लेते हैं पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, विच इम्प्लाइज SN+1 में से हम क्या करेंगे, SN को माइनस करेंगे, तो ये किसके इक्वल आएगा, देखिए N+1/N+2 − N/N+1, ठीक है? ऐसा करने से हमारे पास क्या आ गया, LCM क्या आएगा, N+2 and N+1। हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आएगा, N+1 का होल स्क्वायर − N टाइम्स ऑफ N+2। बस आपको इसको सोल्व करना है और आपको देखना है कि क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो सोल्व करेंगे, देखिए इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, N² + 2N + 1 − N² − 2N / N+2। आपको ज्यादा ओपन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऊपर वाले को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टर्म्स नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, बट नीचे तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा डिनोमिनेटर। आपको बस न्यूमिनेटर चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखिए, 2n से 2n कैंसिल आउट, N² से N² कैंसिल आउट, तो हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या बच गया, ओनली 1, और डिनोमिनेटर में क्या है, N+2 और N+1। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी टर्म है ये क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव टर्म आ रही है। और अगर ये पॉजिटिव टर्म आ रही है, इसका मतलब क्या है, आप इसको कैसे लिखोगे, S(N+1 − SN) जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, विच इम्प्लाइज SN+1 is greater than SN, विच मीन्स SN जो हमारी सीक्वेंस है वो क्या है, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है? फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस प्लीज डू कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।